दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पॉकेट एफएम को कैसे यूज कर सकते हैं और उसमें स्टोरी कैसे देख सकते हैं और उसको स्टोरी कैसे सेव कर सकते हैं अपने लाइब्रेरी में। दोस्तों आज का वीडियो पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना है बिना स्किप किए। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि मेरे इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने होम स्क्रीन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्ले स्टोर पे सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ सर्च कर लेना है पॉकेट एफएम। तो दोस्तों जैसे यहाँ पॉकेट एफएम सर्च कर लेते हो तो यहाँ पे आपका पॉकेट एफएम आ जाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों मैं यहाँ पे पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पॉकेट एफएम मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह सा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली एडिट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे आपको नाम मांगेगा, तो आपको यहाँ नाम दे देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर आपका जो भी है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख के यहाँ पे अपना प्रोफाइल को फिल कर लेना है। दोस्तों जैसे ही फिल कर लोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका होम वाला पेज आ जाएगा। दोस्तों तो आपको क्या करना है, दोस्तों सिंपली यहाँ पे एक लाइब्रेरी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का कुछ दिख जाएगा, आपका लाइब्रेरी में कौन कौन से बुक हैं और आप कौन कौन से बुक सेव करके रखे हैं, यहाँ पे स्टोरी आपको दिख जाएगा। दोस्तों पहली बात है, ये पॉकेट एफएम में जो भी मतलब हम सेव करके रखते हैं स्टोरी, वो सारा का सारा ऑडियो बुक है। ये बात ध्यान पे रखें, ये सारा का सारा ऑडियो बुक है। यहाँ पे आपको स्टोरी मिल जाता है, आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको एक ऐड बुक पे क्लिक कर लेना है आपको। आप यहाँ पे लाइब्रेरी पे कहीं पे भी यहाँ रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड बुक पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है। दोस्तों तो यहाँ पे आपको ओवरऑल एक मिल रहा है ऑडियो, और यहाँ ट्रेंडिंग मिल रहा है, यहाँ पे रोमांटिक मिल रहा है, यहाँ थ्रिलर, सेल्फ हेल्प, पॉडकास्ट, तो आपको बहुत सारा यहाँ पे आपको स्टोरी मिल जाता है जो कि आपको ऑडियो में सुनने को मिलेगा। दोस्तों जैसे हम पोएम सुनते हैं, पोएट सुनते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो आपको यहाँ पे आपको कोई सा भी पसंद है तो आपको यहाँ पे सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक कर लोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्ले नाउ है, तो दोस्तों अगर प्ले नाउ पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑडियो बुक आपको चलने लगेगा, तो यहाँ पे बजने लगेगा। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे चला के नहीं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे सिंपली अगर इसको सेव करना है तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे आप देख सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे लाइब्रेरी पे तो ये आपका सिंपली लाइब्रेरी पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा टिक वाला राइट वाला ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों ये मेरा लाइब्रेरी पे सेव हो चुका है। अगर आपको सुनना है तो मैं अभी चलिए सुना के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्ले नाउ पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, ये देखिए अभी चलने लगेगा। अभी घड़ी में रात के 9 बज रहे हैं। आज की रात रोज की तुलना काफी अलग सी दिख रही थी। बैचलरेट पार्टी में कई पैग पीने के बाद टीना का फियांसे उसे पार्टी से अपने घर पर ले गया। घर पर आकर वो तुरंत ही सो गई। थोड़ी देर के बाद जब टीना थोड़ी होश में आई तो उसका सर भारी हो रहा था, बहुत मुश्किल से वो अपनी आँख। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह का आपका ऑडियो बुक चल जाएगा जो कि एक स्टोरी है। आपको सिंपली आपको बैक कर लेना है, इस तरह से आप सेव कर सकते हो। और आपको अगर कोई सा भी पोएट डालना है दोस्तों तो आप सिंपली डाल सकते हो। जैसे कि हम टिकटॉक्स पे वीडियो डालते हैं, स्नैक्स पे वीडियो डालते हैं, तो आप अपना ऑडियो बुक भी यहाँ पे डाल सकते हो और आप अपना स्टोरी भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपको कैसे डालना है, तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे एक प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, तो आप जैसे ही प्लस वाला आइकन को क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट रिव्यू, अपलोड क्वेट एंड आपको रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों तो आप अपना यहाँ पे राइट रिव्यू लिख सकते हैं और अपलोड क्वेट भी आप अपना कर सकते हैं, और आप अपना यहाँ पे ऑडियो भी रिकॉर्ड करके इनकी तरह आप अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर जैसे ही ऑडियो पे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सिंपली यहाँ पे कोई एक चूज कर लेना है, यहाँ पे फ्री स्टाइल पे आपको क्लिक कर लेना है। तो फ्री स्टाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपका ऑडियो
रिकॉर्ड ऑडियो यहाँ पे होने लगेगा, तो मुझे तो अभी नहीं करना है, आप इस तरह से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग का यहीं तक था, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लेना। दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना है और मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। यहाँ दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।